डायरेक्टर एस एस राजमौली की फिल्म RRR थिएटर पर पहुंचते ही धमाल मचा रही है। इसमें रामचरण, आलिया भट्ट स्टार्टर RRR फैंस कब से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तब लोग इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। थिएटर में हाउसफुल शो के साथ RRR की धमाकेदार ओपनिंग हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 156 करोड़ रुपए के साथ खाता खोला। जानते हैं कि दूसरे दिन कितनी कमाई की है। तरण आदर्श ने RRR के हिंदी वर्जन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि RRR दूसरे दिन वर्ल्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला। मल्टीप्लेक्स दूसरे दिन बड़े मुनाफों के गवाह बने। तीसरे दिन और बड़े ग्रोथ की उम्मीद। वीकेंड पर 70 प्लस की उम्मीद। शुक्रवार 20 करोड़ 7 लाख रुपए। शनिवार को 23 करोड़ 75 लाख रुपए। टोटल हुए 43 करोड़ रुपए। तरण ने शनिवार को अलग अलग शहरों और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के कलेक्शन को शेयर किया था। पहले दिन RRR ने भारत में 156 करोड़ रुपए की कमाई की थी। US में 42 करोड़ रुपए। ओवरसीज में 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म का कुल कलेक्शन 223 करोड़ का होता है। पहले ही दिन फिल्म ने सॉलिड शुरुआत की थी। SS राजमौली की इस फिल्म का यह कलेक्शन ही नहीं बल्कि फिल्म का रिव्यू भी काफी पॉजिटिव रहा है। क्रिटिक्स और ऑडियंस ने RRR की तारीफ की है। फिल्म में रामचरण जूनियर NTR लीड रोल में है। आलिया भट्ट ने रामचरण के अपोजिट सीता के रोल में काम किया है। वहीं अजय देवगन ने फिल्म में कैमियो का रोल निभाया है। कैमियो रोल के बावजूद आलिया और संजय की भूमिका फिल्म में अहम और दमदार है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.